हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि शिफ्टिंग ऑफ हॉस्टल। तो पहले हम गर्ल्स हॉस्टल में रहते थे। गर्ल्स हॉस्टल में हमें रूम जो मिला था एज अ इंटर्न, सिंगल रूम था, सिंगल रूम और बड़े रूम्स थे, अटैच बाथरूम के साथ सिंगल रूम और बहुत ही बड़े रूम्स थे। और टेबल्स हम कितनी भी रख सकते जितनी हमें ज़रूरत पड़ रही है, कबर्ड ले सकते थे, तो किसी को कोई इशू नहीं था क्योंकि हम इंटर्न थे। फिर एक दिन नोटिस आता है कि आपको हॉस्टल शिफ्ट करना है, गर्ल्स हॉस्टल से इंटर्न हॉस्टल में शिफ्ट करना है और दो दो लोग रहेंगे एक रूम में, ये नोटिस आता है। फिर हमें बहुत गुस्सा आती है कि अभी तक हम एक एक रह रहे थे, फिर एकदम से दो लोग कैसे रहेंगे एक रूम में। फिर हम एक डिस्कशन करते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम स्ट्राइक कर देंगे, चाहे कुछ हो जाए हॉस्टल शिफ्ट नहीं करेंगे किसी भी हाल में। ये कोई तरीका नहीं होता कि हमें हॉस्टल से निकाल रहे हैं। फिर सेम डिस्कशन हमने चाय के साथ किया कि चाहे जो हो जाए हम हॉस्टल शिफ्टिंग नहीं करेंगे, एक ही हॉस्टल में 4 साल से रह रहे हैं, ऐसे कैसे हमें निकाल सकते हैं, एकदम से बोल सकते हैं कि तुम इंटर्न हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ और ऊपर से दो दो रहो साथ में, जो कि अभी तक सबको आते तो चूँकि सिंगल रहने की तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ये चीज़। तो हाँ, हमने एकदम ऐसे कि स्ट्राइक करनी है, ऐसे खाली तो नहीं करेंगे। और ये सब बातें अपने में ही करें, किसी टीचर से जाके नहीं कर रहे थे, यानी कि जैसे कि हम लोग डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे किसी के, आपस में एकदम कि हाँ खाली तो नहीं करना है, चाहे हमें स्ट्राइक पे बैठना पड़े बाहर, रोड पे बैठ जाएंगे, पर हम रूम नहीं खाली करेंगे। फिर एक दो नोटिस आता है, जो कि ऐसे बहुत सारे नोटिस आ रहे थे जिनको हम इग्नोर कर रहे थे। फिर एक दो नोटिस आते हैं कि खाली ही करना है आपको। फिर हम लोग फाइनली रूम्स देखने जाते हैं और मेरी रूम की कंडीशन आप देखेंगे थोड़ी देर में। तो वो रूम एकदम छोटा सा है, तो दो लोगों के लिए था, पर एक सिंगल आदमी ही रह सकता है उसमें, रूम इतना छोटा है। तो उसमें फिर वो रूम देखा मैंने, रूम किसी किसी को सिंगल मिल गया, किसी किसी को डबल मिल गया, और मेरे साथ डबल नहीं है, इन केस मेरी रूममेट वापस आती है तो फिर वो रहेगी, हम लोग को रूम चेंज करना पड़ेगा, तो ये रूम मिलता है। फिर भी हम बस रूम देख के आते कि खाली तो नहीं करना है। फिर एकदम से नोटिस आता है शाम 6 बजे तक खाली हो जाना चाहिए। तो तुरंत जो सामान शिफ्टिंग होती है बच्चों की, एक शाम में सब शिफ्ट। तो सेट होने के बाद मेरा रूम कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही छोटा सा रूम है, कबर्ड्स हैं और मेरा कूलर है उसमें, और एक टेबल है, चेयर है, बेड है। तो मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको लाइटिंग के साथ भी दिखाती हूँ, जो मैंने लाइटिंग लगाई थी ताकि मेरा रूम थोड़ा सा सज जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मेरी टेबल है, चेयर है और स्टूल जैसा है, एक्चुअली चेयर नहीं बोल सकते उसको, और फिर बेड है और ये मेरे भगवान जी। तो ये है मेरा रूम लाइटिंग के साथ, जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।